तो तूने हर हद पार कर दी फरीन। ऐसा क्या कर दिया मैंने? बेशरम बेहया, झूठ बोल के सारा दिन तू पता नहीं कहां घूमती रही और मुझसे कह रही है कि ऐसा क्या हो गया अम्मी? क्या हो गया आपको? शॉपिंग करने नहीं जा सकती मैं क्या? अच्छा तो फिर क्या शॉपिंग की थी बता, क्या शॉपिंग की थी? यार अम्मी आपने मेरा फोन तोड़ दिया है। अभी बताएं ना क्या खरीदा आपने? नहीं खरीदा मैंने कुछ भी, जो चीज पसंद आई थी बहुत महंगी थी, नहीं खरीद पाई मैं। झूठ, सरासर झूठ बोल रही है तू। आपको अभी तक समझ नहीं आई है मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कोई चीज कबूल नहीं करती हूँ। तुझे तो अशर ही ठीक करेगा। लगा शक, लगा। मैं तो कहती हूँ मिला उसको फोन, मिला उसको और बता उसको अभी कि इन्होंने मेरी शादी उससे मेरी मर्जी के खिलाफ करवाई थी। कि मर्जी के खिलाफ? अगर आपकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी तो आपने अशर भाई से पहले क्यों नहीं बोला? अरे हटो यहाँ से, खानदान की इज्जत के खातिर कर ली थी शादी मैंने, सोचा था एडजस्ट कर लूंगी। कौन सी इज्जत? वो इज्जत जो आज तू अपने पैरों तले रोंद कर आई है। पता नहीं कितने महीने लगेंगे अब इसको सही होने में। आप ही पैसे देंगी इसके अब? देख फरीन, मैं तेरे आगे ना हाथ जोड़ती हूँ, तुझे अपनी परवाह नहीं है तो अपनी छोटी बहन का ही ख्याल कर ले। शादी की उम्र हो गई है इसकी, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं इसके, हमारी जिंदगियों को मुसीबत में मत डाल। कौन सी मुसीबत अम्मी? मैं आपकी पराई तो नहीं हूं। अगर कुछ दिन मैं इस घर में सुकून से रह लूंगी तो क्या मसला हो जाएगा? नहीं, इस तरीके से नहीं। छोड़े अम्मी, जाने दे इस बात को।